दोस्तों आज हम ट्राइडेंट लिमिटेड को और साथ में HFCL को डिस्कस करने वाले हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड से बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक जो इस समय आपको हाफ प्राइस में मिल रहा है यानी 70 की हाई बनाने के बाद स्टॉक फिलहाल 34 के आसपास मिलता है, तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर ट्राइडेंट से हमें निकल जाना चाहिए। यहाँ पर ट्राइडेंट के रिजल्ट में हमने काफ़ी कमजोरी देखी इस बार, क्वार्टर टू का रिजल्ट जहाँ पे प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को मिली। काफ़ी लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे इसके रिजल्ट के बाद में और कहने लगे थे कि स्टॉक तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन वैसी संभावना अभी भी नहीं है। स्टॉक इस लेवल पे भी बहुत मजबूत है, तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस गिरावट का हमें फायदा उठाना चाहिए, क्या आने वाले समय अच्छी तेजी बन सकती है, तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ HFCL लिमिटेड की बात करें तो कंपनी 5G में बहुत नए तेजी से आगे बढ़ रही है और नए कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में HFCL में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, क्योंकि इसके पीछे वजह है एक बहुत बड़ी गुड न्यूज, तो उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या HFCL में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो अभी बाजार शुरू है, लगभग 12:30 के आसपास का टाइम है, स्टॉक फिलहाल 34.30 के आसपास है जहाँ पे 0.73% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव दे दिया है, यानी यहाँ पे यह अब फाइनल हो चुका है हमारा एग्रीमेंट दोनों की तरफ से। और आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 22 नवंबर को इसको मंजूरी दे दी है और अब इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड के तहत कारोबार होगा और किसी भी प्रकार की कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई ड्यूटी नहीं लगने वाली। आप देख सकते हो करीब 45 से लेकर 50 बिलियन डॉलर का ये कारोबार होने वाला है, यानी एट प्रेजेंट जो 31 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार है वो 50 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर सकता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका इजाफा हो सकता है। इस ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ इसका सबसे बड़ा जो रीज़न ये है कि आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया चाइना से कारोबार कम करके इंडिया के साथ में कारोबार बढ़ाएगी और आने वाले समय में वो मौका जो चाइनीज कंपनियों को मिला था वो सारा का सारा इंडिया की टेक्सटाइल कंपनियां भी उठा सकती है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर, लेदर इंडस्ट्रीज, फर्नीचर इंडस्ट्रीज, ज्वेलरी और मशीनरी इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पर इन कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा जो भी क्षेत्र की कंपनियाँ हैं, और इस ट्रेड एग्रीमेंट का काफ़ी शानदार फायदा होने वाला है। पूरी तरह से ये आप देख सकते हो ड्यूटी फ्री होने वाला है बिजनेस, और ऐसे में इसका फायदा टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियां उठा सकती है। यहां पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि टेक्सटाइल सेक्टर को हमें आने वाले 5 से 6 साल में 100 बिलियन डॉलर का व्यापार बनाना है एक्सपोर्ट के लिए, यानी एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है, यहां पे आने वाले समय में हमारा बिजनेस और तेजी से बढ़ाना है। फिलहाल हमारा टेक्सटाइल जो कारोबार है एक्सपोर्ट का वो 42 US बिलियन डॉलर के आसपास है 2021 से लेकर 22 की बात करें तो, आने वाले समय इसको 250 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है 5 से 6 साल के अंदर, यानी आने वाले समय इसमें बहुत बड़ी तेज़ी आएगी और बिजनेस और तेज़ी से बढ़ सकता है, तो कुल मिला के आने वाले समय पॉजिटिव संभावना बनने वाली है और इसका फ़ायदा टेक्सटाइल को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का 50% का कारोबार तो टेक्सटाइल के ऊपर ही डिपेंड है और टेक्सटाइल का कारोबार ठप होने की वजह से ही इस बार रिजल्ट भी हमें ख़राब देखने को मिला। आप देख सकते हो US में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, ऐसे में ये जो रिजल्ट इस बार ख़राब हुआ उसके पीछे वजह एक्सपोर्ट का कारोबार है, तो आने वाले समय इसमें कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी। लेकिन एक जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो थोड़ी सी निराशाजनक है, हमारे यहाँ पर जो कॉटन प्राइस है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। आप देख सकते हो कि जो इंडिया की कॉटन प्राइस है वो 10 सेंट्स पाउंड से ज़्यादा है दूसरे वर्ल्ड की कॉटन प्राइस से, इस वजह से जो एक्सपोर्ट का कारोबार है कॉटन का वो इफेक्ट कर सकता है, यानी इंडिया के एक्सपोर्ट में बहुत सारी कमी आ सकती है क्योंकि प्राइस हमारी बढ़ी हुई है। ऐसे में इसके ऊपर कोई ध्यान देना होगा, सरकार को कोई रास्ता निकालना होगा, तभी जो कॉटन का कारोबार है वो आगे बढ़ पाएगा। कुल मिला के कुछ यहाँ पे निगेटिव बातें जरूर है, लेकिन इसके बीच में अगर ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो कंपनी आने वाले समय कुछ बड़ा करने जा रही है। कंपनी अपने टेक्सटाइल के बिजनेस को साथ में केमिकल के बिजनेस को उसकी साइज को डबल करने जा रही है, अपने प्लांट को वो मॉडर्न करने जा रही है, साथ में बिजनेस को बढ़ाने जा रही है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने वाली है, आने वाले समय इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपको पता होगा कंपनी बात लेन और बैंड एलन में और टेक्सटाइल के सेगमेंट में कंपनी इंडिया की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और अच्छा खासा इनका कारोबार है। इसके अलावा कंपनी पेपर सेगमेंट में भी मजबूत कंपनी है
और केमिकल का डिवीजन भी काफ़ी शानदार है। यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी पहले ही अपना विजन 2025 पेश कर दिया था, जिसमें उनका कहना था कि 2025 तक हमारा जो रिवेन्यू है वो 25,000 करोड़ तक हमें पहुँचाना है, और इसकी तरफ उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। उनका कहना था कि इस विजन 25 के तहत हम अपने जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको भी बहुत सारा बेनिफिट देंगे, यानी जो भी शेयर होल्डर हैं उनको जो रिटर्न है काफ़ी शानदार रह सकता है 2025 तक, ये कंपनी का अपना कहना है। और आने वाले समय इसके लिए बहुत सारे बिजनेस में नई तैयारी की जाएगी, बिजनेस को एक तरह से बांट दिया जाएगा, और जो आप देखें तो शुरुआत हो चुकी है, सभी डिवीजन को अलग अलग बांट दिया गया है, सबके लिए अलग से MD अपॉइंट कर दिए गए, यानी सारे बिजनेस अब स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट पर काम शुरू होगा, वो भी हो चुका है mytradent.com के माध्यम से। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी ने जैसे जैसे कहा था कि हम अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो भी अब होने जा रहा है। यानी ये रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट बहुत पुरानी है, रिपोर्ट आप देख सकते हो 2021 की है, ये 19 जनवरी के, लेकिन जो कहाँ था कंपनी ने अब वो सब पूरा हो रहा है। यानी कंपनी आने वाले समय अपने ई कॉमर्स का बिजनेस है उसको तेज़ी से आगे भी बढ़ा रही है। इसके अलावा कंपनी अपने बिजनेस को अलग अलग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में बदल चुकी है, यानी कंपनी का सारे सेगमेंट अलग हो चुके, सबके लिए MD आ चुके, तो कुल मिला के आने वाले समय जो कंपनी ने कहा था वो वादा पूरा कर रही है, तो बिल्कुल इस कंपनी में आने वाले समय एक बड़ी तेज़ी आ सकती है। और ऐसे में इस गिरावट का फायदा उठा के आपको निवेश करना चाहिए। कंपनी की सबसे बड़ी बात है कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। इसके अलावा रिजल्ट काफ़ी अच्छे है, पिछले 5 साल का CAGR 19.9% के आसपास है, और 45% के आसपास कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 17,454 रुपीज़ का है, करंट प्राइस की 34.20 की है, लो इसका 30 का है और हाई इसका 70 का है, स्टॉक का पी 30.20 है, बुक वैल्यू इसकी 7.48 की है, और 1.06% का कंपनी डिविडेंड पे करती है, ROC इसका 23.40% है और ROE 23.40% है, फेस वैल्यू 1 है, तो देख सकते हो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। और ऐसे में इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डेफिनेटली आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है, स्टॉक काफ़ी मजबूत है। चलते हैं HFCL लिमिटेड की तरफ, स्टॉक की प्राइस 79.25 पर है, जहाँ पे हमें 0.06% की तेज़ी देखने को मिली है, मामूली सी तेज़ी है। यहाँ पे HFCL लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, HFCL लिमिटेड जो वाईफाई एक्सेस पॉइंट राउटर बनाती है अब कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को सेल करेगी, यानी पहले वो कंपनियों को ऑर्डर के हिसाब से बना के देती थी, लेकिन अब खुद अपने ब्रांड को बाजार में बेचने वाली है, इसकी तैयारी शुरू कर चुके, तो ये राउटर अब बाजार में आएंगे। और आप देख सकते हो कि इसके लिए इन्होंने मानेसर में प्लांट लगाया है, जिसमें 425 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है, और यहाँ से अब पूरे इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो इनके राउंडर्स बिकने शुरू हो जाएंगे। और कंपनी से पहले भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो बाजार में लॉन्च कर चुकी है, आप देख सकते हो DRI स्कीम का इनको बेनिफिट भी मिला है, सरकार की तरफ से PLI स्कीम का फायदा भी मिल रहा है, तो HFCL एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार हो चुका है। इससे पहले रिलायंस के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की हुई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसमें 5% की स्टेक भी ली हुई है, और ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम रिलायंस के लिए सारा यही करते हैं, जियो का काम काज सब इन्हीं को मिल रहा है, ऐसे में इस कंपनी का कामकाज तेज़ी से और बढ़ेगा। इसके अलावा विप्रो के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है, जिसके तहत 5G के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट दोनों मिला के बना रहे, इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट का कामकाज करिए। और सबसे बड़ी बात HFCL ने क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ में एक बड़ी पार्टनरशिप की, जिसके तहत आउटडोर स्मॉल सेल्स प्रोडक्ट बना रही है, यानी आप देख सकते हो कि जो अभी इसमें 5G के लिए छोटे छोटे जो टावर्स लगाए जाते हैं, जो अलग अलग स्ट्रीट के या घर के ऊपर लगाए जाएंगे, वो भी कंपनी बना रही है, यानी 5G के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है। ऐसे में आने वाले समय एक बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है HFCL में, और ये मौका है खरीदारी का। आपको पता होगा इसकी प्राइस ईयर 2000 में 2000 के ऊपर थी, तो आने वाले समय ये आराम से 1000 को फिर से टच कर सकता है, तो नज़रिया लॉन्ग टर्म का लेकर इसमें निवेश किया जा सकता है। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो आप देख सकते हो मार्केट कैप 10,926 करोड़ का है, करंट प्राइस इसकी 79.30 की है, लो इसका 51 का और हाई 101 का है, स्टॉक का पी 38.90 का है, बुक वैल्यू इसकी 21.10 की है, और 0.23% का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, ROC इसका 19.20 है और ROE इसका 13.50% है, फेस वैल्यू 1 है, तो देख सकते हो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। और ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट HFCL में करना चाहिए, दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो आने वाले समय आपको मालामाल कर सकते हैं, और इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कम से कम 3 से 5 साल का स्टॉक अगर होल्ड करते हो ये डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया, वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।